जी, तो सुना है जंगलों का भी कोई कानून होता है, कोई दस्तूर होता है, एंड जिस जगह का कोई कानून और दस्तूर नहीं होता वो जगह किसी के भी रहने के लायक नहीं होती। जंगलों में भी कानून और जवाबत लागू होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। जो जगह जिसकी होती है वो वहीं पर होता है, और जो एक्सीड करता है, अपने हक से तजावुज करता है, उसकी फिर पिटाई होती है, ठीक है, एंड उसको फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही पनिशमेंट मिला करती है। तो हर जगह का ही कोई रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए जिसके हिसाब से लोग जिंदगियां गुजारें, और वो फिर उसके उपकार के मुताबिक ही उनकी जिंदगियों में बेहतरी आती जाए। हमारे मुल्क का भी अजीब अलमिया है, कोई बात हो जाए तो हम चुप करो खामोश करो करके दबा देते हैं, ठीक है, एंड हम उस बात पे बात करना नहीं चाहते, हम उसकी अहमियत को समझते ही नहीं है कि अगर हमने आज बात दबा दी, आज ऐसा हो गया, आज हमने उसमें पर्दा डाल दिया, तो कल इससे बड़ा कुछ होगा, इससे बड़ा कोई सानेहा होगा। तो जब भी कोई सानेहा हो जाए उसके ऊपर पर्दा डालने के बजाय कानून के मुताबिक लाए हैं अमल उसके मुताबिक किया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। और इसी तरह आपकी जिंदगियां भी होती हैं, जब तक कानून के मुताबिक चलती रहेंगी तो बिल्कुल सही चलेंगी। अगर आपने किसी भी चीज़ में हक से ज़्यादा तजावुज़ कर लिया, एक्सीड की कोई चीज़, किसी का हक मारा, कहीं पे गलत बयानी की, कहीं झूठ बोला, तो आपकी ज़िंदगी तितर बितर हो जाएगी, ऐसे ही जैसे ये सब चल रहा है। हम हमेशा हर चीज़ पे पर्दा डालने की करते हैं, पर्दा डाल दो, पर्दा डालने से चीज़ें खराब होती हैं, कभी भी सही नहीं होती। ये मेरा थोड़ा रिफ्रेशिंग सा टाइम है, मैंने कहा आप लोगों से बात करूं, एंड पता नहीं फेस कैसा आ रहा होगा, मैं अजीब कैमरा पकड़ के बस मैं शुरू हो गई। मैंने कहा चलो आज आपसे कुछ ऐसी बातें की जाए जो अच्छी बातें हैं दिल की। बहुत सारे सानहे हो रहे हैं डेली बेसिस पे, दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें खराब होती जा रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही। इस मुल्क में चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा। हम सोच रहे थे कि यार हो सकता है चीज़ें बेहतरी की तरफ आएं, एंड अब हम जैसे जैसे खामोशी की तरफ जा रहे हैं ना, चीज़ें और दबती जा रही हैं, उनमें और दबाव पैदा हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, लेकिन यहाँ जुल्म की कोई हद ही नहीं हो रही। यहाँ कोई उसको क्या कहते हैं कि उसको कोई इम्प्लीमेंट करवाने वाला बैठा हुआ ही नहीं है शायद, या सब एक जैसे हो गए हैं, या सभी झूठ हैं, या सभी मकार हैं। तो अकेला अगर यहाँ आप सच्चे हैं तो फिर यहाँ आपका कोई काम नहीं है। झूठों में अकेला सच्चा ऐसे ही है जैसे कि घने जंगल में शेरों के बीच में, या भेड़ियों के बीच में, या हैवानों के बीच में एक इंसान, ठीक है। हैवान भी इतने ख़राब नहीं है आजकल तो, जितने इंसानों को कुछ का कुछ हो रहा है और वो कुछ का कुछ कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरा अपना यही पर्सपेक्टिव है कि जी जब आप देख रहे हो चीज़ें वर्ड से होती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से अपनी जस्तजू, अपनी लगन और अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाते जाएँ, और उनको बताएं कि बेटा मैं अकेला ही बहुत कुछ, ठीक है जी। और जब कभी आपके ऊपर ऐसा सिनेरियो आए कि आपको लग रहा हो कि चीज़ें वर्ड्स से वर्ड्स होती जा रही हैं, तो आप अपने अंदर मोर इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ कर लें और आप मोर इम्प्रूव पर्सन बन के उभरें, ताकि वो वाली चीज़ें आपको कम से कम डैमेज कर पाएँ। जितने मोर पावरफुल आप होंगे, जितने ज़्यादा ताकतवर आप होंगे, आपको ख़राब चीज़ें उतनी कम डैमेज कर पाएंगी, ठीक है। डैमेज वो करेंगी लेकिन कम से कम तर कर पाएंगी, ठीक है। तो आपका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने सिनेरियो में कैसे पावरफुल होते हैं ये आपको खुद देखना पड़ेगा, इसका मुहासबा आप खुद करेंगे, ठीक है जी। सो अभी एक दो काम है, अभी नमाज भी पढ़ना है, पढ़ाने भी जाना है। सो दीज आर द थिंग्स एंड ये कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है? ओह माय गॉड, टीचर्स डे पे इतना बड़ा गिफ्ट मुझे क्यों? थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी को बोला नहीं था आपने? दिस इज सो बिग। थैंक
थैंक यू सो मच एंड दोनों ही आ जाए साथ। सफायर के अंदर कुछ और है। सफायर के अंदर कुछ और है? कुछ और है। कुछ और भी है? अच्छा कुछ और है इसमें। अच्छा हम बाद में खोलें या अभी खोलें? अभी खोलें। चलें जी, अभी ये मुझे मिल गया गिफ्ट। देखो मामा के मोबाइल में कितने कॉन्फिडेंटली व्लॉग शूट हो रहा है। कोई बात नहीं, कह रहे हैं ऐसे भी कभी कभी करना पड़ता है। चलो जी, दिस इज द गिफ्ट। ये मुझे मेरे दो स्टूडेंट्स ने दिया है एंड अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको अभी खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। खोलो, बोले खोले, आए ना सामने बैठे दोनों। तो जी जोर से बोलेंगे खोलो। तो जी खोलेंगे इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ जाए दोनों साथ में, आ जाए ना। इसमें से क्या निकलने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पूरी वीडियो आप मुझे गले में खराश हुई है ठंडा ठंडा खा के। खुल गया। ओह माय गॉड, दिस इज टीचर्स डे गिफ्ट। और टीचर्स डे पे इन्होंने मुझे सूट दिया है। वाओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन ये आपने इतनी एफर्ट क्यों लगाई? आप मुझे कुछ और भी देते तो मैं ले लेती। आपने मुझे टॉफीज दी तो थी, इन्होंने मुझे टॉफीज भी दी थी टीचर्स डे पे। चलिए मैं अभी आपको इसको टोटली ओपन करके दिखा दूँ। अभी आगे बैठूँ और सरप्राइज की बारी शुरू हो चुकी है। ओह माय गॉड, चले जी, दिस इज हाउ इट्स डन। एंड ये बहुत ज़्यादा है एंड आपकी मम्मी को पूछना पड़ेगा कि वाई शी इज जस्ट डूइंग द ग्रेट थिंग्स एंड कोई एफर्ट, मतलब अभी दे भी नहीं है ना, तो इतनी एफर्ट लगाने की ज़रूरत क्या थी। चले जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर्स डे पे मुझे सरप्राइज देने के लिए। एंड अपने अपने नाम बता दें आप और आपका। तो जी अम्माद हमदान ने मुझे गिफ्ट दिया है और अब मैं इसको ले जाऊंगी। किसको शाउट आउट दे दो इनके चैनल को। इनके चैनल का नाम है अम्माद हमदान यूनाइटेड, ठीक है? हमदान एंड अम्माद यूनाइटेड को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में फैला दो। चले जी आप एक दफा और बोल दें, कौन सा चैनल है आपका? हमदान एंड अम्माद यूनाइटेड और एक और चैनल है अम्माद प्लेन ऑफिशियल। उसमें आप क्या शो कर रहे हैं? अमाद प्लेन ऑफिशियल में जहाज बनाते हैं और उसमें नॉर्मल व्लॉग। अच्छा आप अपने जहाज मुझे किसी दिन दिखाएं ना, किस टाइप के जहाज आप दिखा रहे हैं? अभी बना सकते हैं। आप बना भी सकते हैं अभी। चले आप मुझे अब नेक्स्ट व्लॉग में ना आप अपने जहाज दिखाइएगा, ठीक है? बस इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक्स करा दिए मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? 1 मिनट लाइक्स करो हो जाएंगे ना, मैं कर दूंगा बस। ओहो, इस वीडियो का आपने 1 मिलियन लाइक्स दे देने जल्दी जल्दी। ओके जी, स्टे कनेक्टेड विद मी, दिस इज इना ब्रॉथ सब। एंड ये दोनों मेरे हैं प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यस yes.